गाइस, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल फिल्मी बॉक्स ऑफिस पर। तो बात करेंगे आज इस वीडियो में एक बार फिर से हाल फिलहाल रिलीज हो चुकी फिल्म बच्चन पांडे को लेकर, जिसे कि रिलीज हुए काफ़ी वक्त हो चुका है। ये कह सकते हो आप सेकंड वीकेंड चल रहा है, 10 दिन कंप्लीट होने को आए। कहने का मतलब ये है 9 दिन कंप्लीट कर लिए हैं फिल्म ने और आज से 10वां दिन चल रहा है। तो बस जानने वाले हैं आज इस वीडियो में कि फिल्म ने अपने बीते कुछ 9 दिनों में कितना कलेक्शन कर लिया है और ये 10वें दिन यानी कि आज कितना कलेक्शन कर सकती है। वेल, अगर बात करें फिल्म को लेकर, बच्चन पांडे क्योंकि गैंगस्टर ड्रामा फिल्म है, इस फिल्म से काफ़ी उम्मीदें थी मेकर्स को ही नहीं बल्कि पब्लिक को भी, क्योंकि इस फिल्म में जो लुक नज़र आया अक्षय कुमार का, मैसी लुक, वो काफ़ी अंदा बोलते हैं ना, काफ़ी शानदार था। इतना ही नहीं, इसके अलावा सॉन्ग इस फिल्म के सारे एक से बढ़कर एक बेहतरीन थे। हर फिल्म परफेक्शन, हर चीज़ इस फिल्म में परफेक्शन के साथ देखी जा रही थी, लेकिन जो सोचा था वो बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि फिल्म रीमेक निकली साउथ मूवी की, गडलकोंडा गणेश ऑफिशियल तौर पे। अब बात करें फिल्म के कलेक्शन को लेकर, तो कलेक्शन काफ़ी कम रहा और काफ़ी शर्मनाक भी। जहाँ पर इसका बजट 160 करोड़ रुपए बताया जा रहा है, तो फिल्म ने अपने 9वें दिन कमाए 1.5 करोड़ रुपए मैक्सिमम वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस से। इसी के साथ जो कलेक्शन हो चुका था फिल्म का 9 दिनों के अंदर अंदर, वो हो चुका था तकरीबन 88 करोड़ प्लस। वहीं बात करें फिल्म के आज के यानी कि संडे के कलेक्शन को लेकर, तो आपको याद हो रिपोर्ट के मुताबिक आज 40% की ग्रोथ देखी जा रही है। डैट मीन्स आप कह सकते हो कि फिल्म आज ज़्यादा भी नहीं तो 2.5 करोड़ प्लस का कलेक्शन कर सकती है, बोले तो 2 से 2.5 करोड़ के आसपास कमा सकती है अपने 10वें दिन। यहाँ पर इस फिल्म का जो कलेक्शन है कम से कम हो चुका होगा 90 करोड़ प्लस, यानी कि इस फिल्म को अभी भी 70 करोड़ और कमाने हैं आने वाले टाइम में, जो कि मुझे लग रहा है किसी भी कीमत पर पॉसिबल नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा ये फिल्म 10 या 15 करोड़ कमा लेगी आने वाले टाइम तक, तो बचेंगे कम से कम फिर भी 75 करोड़ रुपये, जो कि इस फिल्म के राइट्स बिकने के बाद ही रिकवरी होगी। अदरवाइज़ ये फिल्म थिएटिकल बेसिस पर देखा जाए तो फ्लॉप है। वेल, आपकी ओपिनियन क्या है बच्चन पांडे को लेकर? अगर आपने देखी तो कैसी लगी बच्चन पांडे या फिर भोला पांडे, आपकी राय कमेंट में मेंशन करें। वीडियो आपको पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर।